एक लंबी गहरी सांस लेंगे, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक, अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचेंगे। उसके सेंटर पॉइंट पे अपनी सोल सीट को आइडेंटिफाई करेंगे। दोनों कानों के बीच में, नाक के टिप के ठीक पीछे और तालू के ऊपर, इस प्रकार एक सिंहासन को इमेजिन करें। ये सिंहासन वो कंट्रोलिंग सीट है जो हमारे शरीर के समस्त अंगों को, समस्त इंद्रियों को, समस्त तत्वों को कंट्रोल करता है। इस स्थान पे अपनी आत्मा को विराजमान करेंगे। और आज 9 दिनों के बाद जो कुछ भी आज तक हमें देवी के ध्यान से, इन बीज मंत्रों के उच्चारण से, जो भी परिवर्तन हमारी ऊर्जा में, हमारे ज्ञान में, हमारी इच्छाओं की जो अभिवृद्धि हो रही है, उस ध्यान को करते हुए अपने ध्यान को अपने मणिपुर चक्र में रखेंगे और पूरे घर में, हमारे पूरे परिवार में, पूरे संसार में जितने भी लोग, जिनकी हम किसी भी अवस्था में हीलिंग करना की इच्छा रखते हैं, उन सब लोगों को एक मानकर उन सब के मणिपुर चक्र का ध्यान करेंगे। हमारा मणिपुर चक्र वम बीज से जागृत होता है, उसको वम बीज से जागृत करेंगे। वम 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 इस चक्र से प्राण उत्पन्न होते हैं। जितने भी लोग आज इस समय हमसे कनेक्टेड हैं, उन समस्त के मणिपुर चक्रों में जितना भी प्राण तत्व उत्पन्न हो रहा है, उस प्राण तत्व को अभिवृद्धि हो, वो बढ़ना शुरू हो और संपूर्ण शरीर को अपने नियंत्रण में ले ले। उसमें इतने प्राण जागृत हो कि वो एक स्वस्थ शरीर की कैटेगरी में आ जाए। उसके लिए जितने भी पार्टिकल, जहां प्राण उत्पन्न नहीं हो रहा है, वहां पर पहले क्लीम बीज को जागृत करेंगे। जहां प्राण उत्पन्न हो रहा है, वहां भी क्लीम बीज को जागृत करेंगे। क्लीम 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 इन समस्त
पार्टिकल्स में, जहां अर्थ एलिमेंट है, प्रत्येक अर्थ एलिमेंट के प्रत्येक पार्टिकल में, क्लीन बीज में, जागृत होने के बाद उस अज्ञात तत्व में शुई बीज को जागृत करेंगे। शुई 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 इस क्लीम और शुई के मिलने से इस चक्र में लक्ष्मी बीज मंत्र जागृत हुआ है। अब ये शिव शक्ति के समान प्राणों की रचना करना शुरू हो गया है। लक्ष्मी 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 हमसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन समस्त लोगों के नाभि में प्राणों की उत्पत्ति शुरू हो गई है और प्रत्येक प्राण को एक लक्ष्य प्राप्त हुआ है कि कैसे इस शरीर को ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रखना है। जितने भी लोगों के मणिपुर चक्र जुड़े हैं उन समस्त के मणिपुर चक्रों में प्राणों की उत्पत्ति शुरू हुई। इन समस्त मणिपुर चक्रों को एक मानते हुए इस संपूर्ण शरीर के बाहर जो विश्व शरीर है, जो साक्षात श्री विष्णु के शरीर का स्वरूप है, उन श्री विष्णु के नाभि चक्र में, मणिपुर चक्र में, अपने इस मणिपुर चक्र को विलीन करें। लक्ष्मी 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 अब अपने ध्यान को अपने स्वाधिष्ठान चक्र में लेकर जाएंगे। हमारा स्वाधिष्ठान चक्र जहां पर रस की उत्पत्ति होती है, जहां पर जल तत्व उत्पन्न होता है, जिस जल तत्व से हमारे शरीर का लिम्फेटिक सिस्टम बनता है, हमारे सेल से कम्युनिकेशन होता है, हमारे इमोशंस जागृत होते हैं, इमोशन के अनुसार ये शरीर काम करता है। अपने स्वाधिष्ठान चक्र से हमसे संबंध रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के स्वाधिष्ठान चक्र को अपने से जोड़ते हुए उस स्वाधिष्ठान चक्र को सबसे पहले जागृत करेंगे। रम 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 उस स्वाधिष्ठान चक्र में कितने अज्ञात पार्टिकल्स हैं, कितने ज्ञात पार्टिकल्स हैं, उन सबको पहले क्लीम बीज से जागृत करेंगे। क्लीम 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 प्रत्येक क्लीम बीज से जागृत होने वाले पार्टिकल को
श्रीम बीच से जागृत करें। श्रीम 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 क्योंकि पृथ्वी तत्व से जल तत्व है इसलिए वहां पर शु शुई और रा शुरी 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 इस बीज मंत्र को क्लीम के साथ संबंध बनते ही यहां पर लक्षवरी बीज मंत्र जागृत हुआ। हमारे स्वादिष्ठान चक्र में जितने भी पार्टिकल हैं, उनमें रस की उत्पत्ति शुरू हो गई और ये रस एक लक्ष्य के साथ में शरीर के प्रत्येक सेल में उत्पन्न हो रहा है। जहां जहां ये सूख गया था, जहां सेल का सेल से, टिश्यू का टिश्यू से, ऑर्गन का ऑर्गन से संवाद में कोई भी बाधा थी, वो ईश्वरी बीज से, लक्ष्यवरी बीज से पुनः जागृत हो गई। लक्ष्यवरी 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 हमारे स्वादिष्ठान चक्र से जितने भी लोग जुड़े हुए थे, उन सबके स्वादिष्ठान चक्र में भी ये लक्ष्यवरी बीज जागृत हो गया है। सब में रस की उत्पत्ति शुरू हो गई है। इस रस की उत्पत्ति के कारण अब ये बहुत जागृत हो गया है, इसमें संवाद उत्पन्न हो गया है। इस ऊर्जावान स्वादिष्ठान चक्र को हमारे शरीर के बाहर श्री विष्णु के शरीर में जो स्वादिष्ठान चक्र है उसमें विलीन करेंगे। लक्ष्यवरी 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 अब अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र में लेकर जाएंगे। हमारा अनाहत चक्र यम बीच से जागृत होगा। यम 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 हमारे अनाहत चक्र में, हृदय चक्र में, हृदय, लिवर, पैनक्रियाज, ब्लड, इन सब का कार्य रूप समझते हुए हमारे चक्र में जितने भी पार्टिकल्स हैं और हमसे जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति के जितने भी अनाहत चक्र हैं, उन सब में जितने भी पार्टिकल्स हैं, उसमें जितने हमें ज्ञात हैं, जितने अज्ञात हैं, उन सबको अज्ञात मानते हुए वहां पे क्लीम बीज का जागरण करेंगे। क्लीम 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 क्लीम
प्रत्येक पार्टिकल, जहां जहां हमने क्लीन को जागृत करा, उस क्लीन के साथ शई बीज को जागृत करेंगे। शई 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 क्लीम और शई के संबंध होते हैं। इन सब में उत्पत्ति वाली अग्नि जागृत हो गई, जो विशेष उत्पत्ति तेज को उत्पन्न करती है, पित्त का शमन करती है, रस को भरपूर पचाती है, प्राणों के संयोग से ये तेज स्वरूप जागृत होती है। लक्षई 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 हमारे अनाहत चक्र में, हमसे जुड़े हुए सब लोगों के अनाहत चक्र में, ये तेजो में अग्नि जागृत हो गई है, अपने चक्र को, आपकी परिवार के जानकारी के सबके अनाहत चक्र को, अपने शरीर के बाहर जो श्री विष्णु का ब्रह्मांड रूपी शरीर है उसके अनाहत चक्र में विलीन करेंगे। लक्षई 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 अपने विशुद्धि चक्र का ध्यान करेंगे। हम 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 हमारा विशुद्धि चक्र जहां गायत्री रूपी श्वास की छंद, महामृत्युंजय रूपी विष का वमन करने वाले, विष को ग्रहण करने वाले हमारे विशुद्धि चक्र में, जहां विचारों से शब्द की उत्पत्ति होती है, उसके प्रत्येक कण में, उस वायु के प्रत्येक कण में अपने से जुड़े हुए जितने भी लोगों के विशुद्धि चक्र हैं, उन सब के प्रत्येक कण में जो वायु कण है, जो विशुद्धि चक्र में आते हैं, उन सब के लंग्स में जो श्वास बाहर भीतर जा रही है, उस वायु के प्रत्येक कण में क्लीम बीज को जागृत करेंगे। क्लीम 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 इस क्लीम की जागृति के बाद हमारे जितने भी ज्ञात कण थे, हमारे जितने भी अज्ञात कण थे, वो सब एक हो गए और उस अज्ञात तत्व में हम शही बीज को जागृत करेंगे। शही 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 जिसकी वजह से वायु तत्व के समस्त कर्णों में उत्पत्ति वाली प्राण शक्ति जागृत हो गई।
लक्ष्यहीन 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 हमारे विशुद्धि चक्र में वायु प्राण में परिवर्तित हो, हमारे अनाहत चक्र में अग्नि तेज में परिवर्तित हो, हमारे स्वादिष्ठान चक्र में जल तत्व ओज में परिवर्तित हो गया, हमारे शरीर में वायु अग्नि जल पृथ्वी जितने भी कण थे, प्रत्येक कण को एक लक्ष्य प्राप्त हुआ, कैसे इस शरीर को ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ बनाना है, कैसे इससे जुड़े हुए समस्त शरीरों को ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ करना है। ये समस्त कण जिस विशुद्धि चक्र में है, उस विशुद्धि चक्र को इस शरीर के बाहर विश्व शरीर में श्री विष्णु के विशुद्धि चक्र में विलीन करेंगे। लक्ष्यहीन 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 अब अपने ध्यान को अपने मूलाधार चक्र में लेकर जाएंगे और हमारे साथ जुड़े हुए प्रत्येक शरीर के मूलाधार चक्र को ध्यान करते हुए लम 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 इसमें जितने भी अज्ञात तत्व हैं, जितने भी ज्ञात तत्व हैं, उन सबको एक मानते हुए उसको क्लीम बीच से जागृत करेंगे। क्लीम 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 प्रत्येक मूलाधार चक्र के आकाश तत्व जो कुछ भी शब्द है, जो विचारों से उत्पन्न हो रहा है, जिससे हमारे सुनने की शक्ति बोलने की शक्ति ये दोनों प्रभावित हो रही है, उसके प्रत्येक कण को उस प्रत्येक स्पेस को ध्यान करके अपने चक्र के हमसे जुड़े हुए लोगों के चक्र के उस सब को क्लीन बीज से जागृत करेंगे। क्लीन 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 उस क्लीन को शलीम बीज से जागृत करेंगे। शलीम 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 इस क्लीम और शलीम के मिलन से लक्ष्मी 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 हमारे
मूलाधार चक्र में, सुनने के, बोलने के, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, इस सूक्ष्म शरीर के साथ जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, इस सूक्ष्म शरीर के साथ जो हमारा कारण शरीर है, उन तीनों शरीर के संबंध को मूलाधार चक्र से जुड़ा होने के कारण अपने संपूर्ण शरीर में विचार का शब्द में परिवर्तन, शब्द की शुद्धि, सुनने की शुद्धि, बोलने की शुद्धि, उस पवित्रता को, उस सत्य को लक्ष्मी बीज प्राप्त हो, प्रत्येक कण को जो आकाश तत्व से संबंधित है, जो तीनों शरीर से संबंधित है, उसमें लक्ष्मी बीज जागृत हो। लक्ष्मी 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 शिली 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 अपने आकाश तत्व को, अपने से जुड़े हुए लोगों के आकाश तत्व को श्री विष्णु के मूलाधार चक्र में जो आकाश तत्व है उसमें विलीन करें। शिली 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 अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र में लेकर जाएंगे। हमारा आज्ञा चक्र जो हमारे को दिशाओं का सूचक है, उस आज्ञा चक्र को किसको ये निर्णय करना होता है कि कौन से कार्य के लिए कितने चक्रों का प्रयोग करा जाएगा, उस इंटेलिजेंस को जो जुड़ना और अलग बताती है, अपने आज्ञा चक्र को, अपने से जुड़े हुए लोगों के आज्ञा चक्र को जागृत करेंगे। तम 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 उन सब में क्लीम भी जागृत करें। क्लीम 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 में क्षति बीज जोड़े। क्षति 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 इस क्लीम और क्षति के संबंध से जो लक्षति बीज मंत्र जागृत हो रहा है, वो दिशाओं के प्रत्येक दिशा में लक्षति बीज मंत्र जागृत करके प्रत्येक दिशा को एक उद्देश्य प्रदान करता है, जिस दिशा में हमारी जय और विजय हो उस दिशा में हमारे को लेकर जाए, जिस विशेष उद्देश्य के लिए हमारा जन्म हुआ है उस विशेष उद्देश्य कौन सी दिशा में है हम उसको प्राप्त करें। लक्षती 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 अपने आज्ञा चक्र को, अपने जुड़े हुए लोगों के आज्ञा चक्र श्री विष्णु के आज्ञा चक्र में विलीन करें। लक्षती 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 लक्षती
लक्ष्य तीन, लक्ष्य तीन, लक्ष्य तीन, लक्ष्य तीन, लक्ष्य तीन, अपने ध्यान को अपने लंबिकाग्र चक्र या लब्धिकाग्र चक्र कर जाएंगे, जो दोनों कानों के बीच में है, जहां से हमारी आत्मा इस संपूर्ण शरीर का नियंत्रण अपने भीतर रख रही है। उस लंबिकाग्र चक्र को और उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सबके लंबिकाग्र चक्र को लक्ष्य करते हुए कम बीज को जागृत करेंगे। कम 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 इस आकार, इस काल तत्व के जो इस संपूर्ण शरीर के समस्त नियंत्रण अपने हाथ में रखता है, उसको अज्ञात तत्व से जोड़ेंगे। क्लीम 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 उस अज्ञात तत्व को शकी बीज से जागृत करेंगे। शकी 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 तो लश्की बीज जागृत होगा। ये लश्की बीज प्रत्येक कण को लक्ष्य प्रदान करेगा। लश्की 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 हमारे सोल सीट, हमसे जुड़े हुए लोगों की सोल सीट और उसमें वास करने वाली हमारी आत्मा को अपने शरीर के बाहर श्री विष्णु के लब्धिकाग्र चक्र या सोल सीट पर अपने चक्र को विलीन करेंगे। लश्की 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 अपने ध्यान को अपने सहस्त्रार चक्र में लेकर जाए। हमारे सहस्त्रार चक्र में, हमसे जुड़े हुए समस्त लोगों के सहस्त्रार चक्र में जितने भी आत्मिक कण हैं, जो उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं, उन समस्त कणों को जिसमें कि बुद्धि, धर्म, अधर्म, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ऐसे तमाम गुण हमारे चक्र में जो भरे हुए हैं, जिनको हम जानते हैं जिनको नहीं जानते, सबसे पहले उन्हें जागृत करेंगे। शम 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 इस आत्मा को हम जितना जानते हैं और जितना नहीं जानते हैं, उस सब को अज्ञात मानते हुए उसको क्लीम बीज से जागृत करेंगे। क्लीम 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 और प्रत्येक क्लीम को शी बीज से जागृत करेंगे। शी 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 शी
शी इन दोनों के जो लक्ष्मी 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 लक्ष्मी, इस लक्ष्मी बीज मंत्र की उत्पत्ति होती है जो इस सहस्त्रार चक्र के प्रत्येक कण में उस विशेष उत्पत्ति कारक षटकोण के शाख की अज्ञात उत्पत्ति शक्ति को जागृत करता है और इससे संबंधित संपूर्ण शरीर को, उसके स्थूल सूक्ष्म और कारण स्वरूप को, उसके प्रत्येक तत्व को, उस तत्व से जुड़े हुए प्रत्येक कण को, सबको लक्ष्य प्रदान करता है। इस संपूर्ण को जो भी हम जानते हैं और जितने लोगों से ये हमारे जुड़ा हुआ है, उन सब के सहस्त्रार चक्र को, अपने सहस्त्रार चक्र को श्री विष्णु के सहस्त्रार चक्र में विलीन करेंगे। लक्ष्मी 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 अब अपने ध्यान को अपने सहस्त्रार चक्र बंद में लेकर जाएंगे और हमारा सहस्त्रार चक्र बंद, जितने भी लोगों के सहस्त्रार चक्र बंद से जुड़ा हुआ है, उन सब के चक्रों को जागृत करेंगे, क्योंकि यहाँ जितने भी लोगों से आज हमारा संबंध है, उसका संबंध हमारे पूर्व जन्म से है। भविष्य में कितने संबंध रहेंगे, कितने परिवर्तित होंगे, उसका संबंध भविष्य में होने वाले जन्मों से है। सबसे पहले इस चक्र को जागृत करेंगे। मम 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 उसने सब कुछ अज्ञात मानते हुए उसको क्लीम बीज से जागृत करेंगे। क्लीम 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 इस संपूर्ण अज्ञात तत्व को, जो मन के रूप में सुख दुख विभाग और संस्कार रूपी गुणों को धारण करता है, हमें किस चीज से सुख मिलता है, हमें किस चीज से दुख मिलता है, इन सुख दुखों के क्या विभाग है हमारे भीतर, और इस विभाग का कब कब कैसे कैसे संस्कार हो रहा है, इस समस्त क्रिया में कब क्यों कहां कैसे जो भी प्रश्न है, उन समस्त प्रश्नों के लिए उस अज्ञात को जानने की इच्छा से इसके प्रत्येक कण को क्लीम बीच से जागृत करेंगे। क्लीम 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 उस क्लीम बीज को शमी बीज से जागृत करेंगे। शमी 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 शमी
इससे जो विचार उत्पन्न होता है वो लक्ष्मी बीज मंत्र है, जो हमारी प्रत्येक इच्छा को लक्ष्य प्रदान करता है, हमारे समस्त चक्रों को लक्ष्य प्रदान करता है, जो हमारे कार्यों को सिद्धि प्रदान करता है, हमें दक्ष बनाता है। उस लक्ष्मी बीज मंत्र की उत्पत्ति करे होगी और वो उत्पत्ति हमारे संपूर्ण शरीर के संपूर्णतम को लक्ष्य प्रदान करेगी। लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। हमारे सहस्त्रार्थ चक्र बंद और हमसे जुड़े हुए समस्त लोगों के सहस्त्रार्थ चक्र बंद को एक करते हुए श्री विष्णु के सहस्त्रार्थ चक्र बंद में इसको विलीन करेंगे। लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। अब इन सबको एक रूपता प्रदान करने के लिए इस लक्ष्मी रूपी बीज मंत्र को इसके रस तत्व से जोड़ते हुए इसको प्रत्येक सेल में पहुंचाएंगे। लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। हे विष्णु भगवान, आपका जो ये विश्व शरीर है, इस शरीर का जो स्पंदन कर रही है, जो हर चीज को चला रही है, वो लक्ष्मी जी मेरे प्रत्येक कार्य को आज से अभी से उनको सपोर्ट करता हूं। उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जिनकी मैं आज हीलिंग करूंगा कि भविष्य में हीलिंग करूंगा, उन सबको भी आपको सपोर्ट करता हूं। आज से ये मेरा जीवन आपका प्रसाद स्वरूप है, आप मुझे जैसे भी रखेंगे, मेरा लक्ष्मी जी से साथ कभी ना छूटे, ऐसी प्रार्थना है। लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। जहां तक ये मेरी आवाज गई वहां तक का समस्त लोक विष्णु लोक है, जिसने भी मेरी आवाज सुनी वो समस्त विष्णु है। आप सबसे प्रार्थना है आप सब अपने अपने विष्णु लोक की यात्रा पर आ जब जब शुभ कार्य करेंगे आपको पुकारे, आप सब अपनी अपनी लक्ष्मी जी के साथ अपने अपने लोग को पधारे और हम पे सदैव अपनी कृपा बना के रखें, ताकि जब जब नवरात्रि आए
तब तब हम इस प्रसाद रूपी जीवन को ग्रहण करें। लक्ष्मी 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 कृष्ण लक्ष्मी कृष्ण 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 लक्ष्मी 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 राम 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 लक्ष्मी 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 अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परम पदम लक्ष्मी लक्ष्मी अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परम पदम लक्ष्मी ज्ञत श्री ज्ञत ह्री ज्ञत्र क्ली तच्च वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् रौमञ्जूं शः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मां नृपात्। लक्ष्मी